बिहार की तमाम अहम खबर। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बड़ी और अहम खबर से, जो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली भी आपको लगेगी। बिहार में छात्रवृत्ति घोटाले का आरोपी एसएम राजू दिल्ली में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से इनाम ले रहा है। जी हां, बिहार पुलिस काफी समय से एसएम राजू की तलाश कर रही है। घोटाला सामने आने के बाद से एसएम राजू गायब है। कई बार नोटिस के बाद भी राजू हाजिर नहीं हुआ। एसएम राजू साल 2013-14 में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग में सचिव था। इस दौरान ही छात्रवृत्ति योजना में घोटाला हुआ। इस मामले में 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन उसके बाद से एसएम राजू लगातार गायब रहा। एसएम राजू की तरफ से 31 अगस्त को एक फेसबुक पोस्ट की गई, जिसमें राजू केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से पुरस्कार लेते हुए नजर आ रहा है। इसमें एसएम राजू रंगीन पगड़ी पहनकर पुरस्कार लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन 29 अगस्त को हुआ था। फिलहाल बिहार सरकार एसएम राजू को भगौड़ा घोषित करने की तैयारी में है। तो देखिए आप ये तस्वीरें, दरअसल ये एक फेसबुक पोस्ट है राजू की। बिहार में फरार है, लेकिन यहां दिल्ली में घोटाले के आरोपी को सम्मान मिल रहा है। लगातार पुलिस दबिश दे रही थी, ढूंढने की कोशिश की जा रही थी राजू को, लेकिन राजू मिल नहीं पाया और अचानक ये पोस्ट नजर आती है। छात्रवृत्ति घोटाले के आरोपी एसएम राजू को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के हाथों में सम्मान मिलने पर विपक्ष ने अब तंज कसा है। विपक्ष का कहना है कि बिहार में ऐसा संभव है, यहां कुछ भी हो सकता है। इस पर कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार में कानून का राज है, कोई छोड़ा नहीं जाएगा। 2.5 करोड़ के चेक पर दस्तखत किया, उसके बाद उनका इस्तीफा मंजूर हुआ, वो नीतीश कुमार के पार्टी के उम्मीदवार हो गए लोकसभा में, और फिर आए तो लैंड ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बन गए, और उनका जमानत हो गया, जो रेगुलर जज थे विजिलेंस डिपार्टमेंट के, उनको छुट्टी पर भेजा गया। ये सारा जो है मैनिपुलेशन जो है हुआ है, मैनिपुलेशन करके उनको जो है बेल दिलवाया गया, और उसमें नीतीश कुमार के अगल बगल के लोगों का हाथ है। हो सकता है कि नीतीश कुमार की सहमति हो इसके। बिहार में कानून का राज है, यदि कोई अधिकारी हो या कोई व्यक्ति कानून को हाथ में ले रहा है तो निश्चित रूप से सरकार की नजर है, और मैं समझता हूँ समय पर उन पर भी कार्रवाई होगी जा करके, और कानून से बच नहीं पाएंगे जा करके। और आपने ध्यान आकर्षित कराया है, और मैं देख रहा हूँ कि अभी तो बड़े बड़े मतलब जा करके विषय आए हैं बिहार में, जब देखा कि सरकार ने आगे बढ़ कर कार्रवाई की जाकर कई घटनाओं में जाकर, मैं समझता हूँ कि अधिकारी उन पर भी कार्रवाई हो। चलिए सीधे रुख कर लेते हैं हम पटना का। हमारे बिहार पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र जुड़ रहे हैं हमारे साथ अपडेट्स के साथ। शैलेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है, जब ये फेसबुक पोस्ट नजर आती है, सबके सामने ये तस्वीर निकल करके सामने आती है, तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं बिहार में कानून व्यवस्था पर तमाचा जड़ती हुई है। ये पोस्ट, पुलिस कुछ कर नहीं पाती, राजू की तलाश चल रही है लंबे वक्त से, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती है, पुलिस के हाथों तक वो नहीं पहुंचता, लेकिन अचानक सम्मान लेने के लिए दिल्ली में अवतरित हो जाता है राजू, और पुलिस यहां पर कुछ भी नहीं कर पाती। जी बिल्कुल, कुछ भी नहीं कर पाती है, और विशेष बात यह है जिस तरह से उनको भगोड़ा घोषित करने के, क्योंकि 3-3 साल से वो यहां से गायब हैं और निलंबित हैं, उनको यहां होना चाहिए, मुख्यालय में होना चाहिए, योगदान देना चाहिए। साफ तौर पे जो सरकार की ओर से आदेश जारी किया उसमें लिखा है, लेकिन उसके बाद से एसएम राजू का कोई अता पता नहीं है। बीच में यह आ रहा था कि वो विदेश चले गए हैं, लेकिन अब जिस तरह से फेसबुक पोस्ट के जरिए उनका वो सामने आए हैं, जिस तरह से वो केंद्रीय मंत्री पुरस्कार ले रहे हैं, और विशेष बात यह है समाज सेवा के लिए पुरस्कार ले रहे हैं, उन्होंने कोई मिरेकल ड्रिंक बनाई है उसका प्रचार प्रसार वो करते हैं, भुवनेश्वर जाते हैं, पणजी जाते हैं, गोवा जाते हैं, और तमाम बड़े शहरों में जाकर उसकी उसकी उस बात करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, और ये कहें कि वहां पे जाकर जो मीडिया के लोग होते हैं उनसे बात करते हैं, तमाम उनकी गतिविधियां वो जारी हैं, उनके बारे में जो लोग कहते हैं, जो उनके ड्रिंक के बारे में लोग कहते हैं उसको वो प्रचार प्रसार करते हैं, और विशेष बात यह है कि हर अपने बयान में, हर भाषण में वो बिहार का जिक्र करते हैं, बिहार में किस तरह से बिहार से उनको प्रेरणा मिली, किस तरह से उन्होंने अपने पिता को बच्चे को ठीक किया। और एक विशेष बात यह है एसएम राजू वो अधिकारी हैं जिनके नाम पर कभी एक बड़ा एक वे कहें कि वो आया था कि बिहार में किस तरह से एक दिन में 1 करोड़ रुपए लगाने का आरोप लगाया, छोटा मोटा आरोप नहीं है शैलेंद्र, उसके बावजूद ये खुलेआम घूम रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग कर रहे हैं, सम्मान ले रहे हैं, जो कि अब बिहार
में सिस्टम को सोचना पड़ेगा, कानून व्यवस्था को सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र। अब देखिए।